वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरों और ये रीडिंग है नाइनटीन ऑफ जनवरी से लेके ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी तक की तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में seven ऑफ pentacles, three ऑफ pentacles, fortitude, ace ऑफ pentacles, एंड three ऑफ swords. ओके okay. इस पर्सन ने सोच लिया है कि अब वो आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप को वो और नहीं छुपाएंगे या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इसे करेंगे सो so, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि अभी तक हिडन ही था हिडन इन द सेंस कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स से इस बारे में बात नहीं की आपके फ्रेंड्स इस बारे में नहीं जानते और किसी को भी नहीं पता कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन चाहेगा कि अब इस तरह की सीक्रेसी या कह सकते हैं सीक्रेट खत्म हो एंड हर कोई जाने कि आप दोनों रिलेशनशिप में है आप उस फेज में आ गए हैं जब आप श्योर sure है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है एंड आप इसी में रहना चाहते हैं तो इस पर्सन को आप कोई नहीं होगी आगे बढ़ के आपको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस कराने में सो प्रिपेयर रहिए हो सकता है ये पर्सन आपसे कहे कि वो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से मिलवाना चाहते हैं इनफैक्ट ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपको कहीं मिल सकता है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ एंड ये आपको इंट्रोड्यूस उसी समय करा देंगे जो शायद आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा हो सकता है आप इसके लिए अनप्रिपेयर्ड हों बनी वेज चूंकि यहां एस ए फैंटिकल्स है तो मैं देख रही हूं कि आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में सो so, सरप्राइजिंग हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है जब कोई चीज अचानक से हो बट देन आपको यह लगेगा कि फाइनली जो आप सोच रहे थे अब आपका रिलेशनशिप उसी रस्ते पे जा रहा है फाइनली आप अब एक दूसरे से कमिटेड होने जा रहे हैं सो so, यहां पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑलरेडी कुछ बात हो रही है मतलब कि पर्सन जब आपको मिलवाएगा, वो तब तो मिलवाएंगे ही बट उससे पहले भी बहुत सारे डिस्कशन चल रही है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में बातें होती रहती है आजकल चाहे वो बात हो फैमिली मेंबर्स से या फ्रेंड्स से ये पर्सन आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन दूसरों को ये बता रहा है कि आप कितने अमेजिंग है और आप उनके लिए कितने परफेक्ट है आप दोनों के बीच कितना अच्छा कनेक्शन है तो ये पर्सन अब रियलाइज कर रहा है कि वक्त आ गया है कि आप दोनों आगे बढ़े बिकॉज अगर आप सेम जगह पे स्टक रहेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है और मे बी आप उन उनपे भरोसा करना छोड़ दें आप ये आ, सोचने लगे कि शायद ये पर्सन आपको लेके सीरियस ही नहीं है सो so, ये पर्सन जानता है कि वो आपको ज्यादा वेट नहीं करवा सकते इसीलिए यहां पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बिकॉज आप ऑलरेडी जिस चीज का वेट कर रहे थे वो अब होने वाली है लगता है जैसे ये वेट आपके लिए काफी लंबा रहा है मतलब जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा हो सकता है कि वो तो काफी है आगे बढ़ने के लिए बट ये पर्सन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा सो so, उस सेंस में टैरो आपको ये बताना चाहता है कि अब आपको और ज्यादा पेशेंस नहीं रखना होगा अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा बिकॉज आप ऑलरेडी सारी तरीके के ऑब्स्टेकल्स फेस कर चुके हैं आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी है टाइम को आपने आ, बहुत अच्छे से हैंडल किया है जो भी आया आपने उससे हैंडल किया सो so, अब थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ जो भी ऑब्स्टेकल थी जो भी पुरानी चीजें थी जो भी इश्यूज थे वो खत्म हो रहे हैं लाइक like, कम्पलीटली खत्म हो रहे हैं जैसे कि आप किसी चीज को जला के राख कर दें और वहां पे कुछ भी ना बचे सो so, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है मुझे पुरानी एनर्जीज पूरी तरीके से क्लियर हो रही है और नई चीजें मेकिंग में है नई चीजें फॉर्म ले रही हैं और चीजें बहुत अमेजिंग होगी यहां से आपकी लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड होगा जो अब इस वीक से शुरू होने जा रहा है ओके okay? हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या इर्ली रीडिंग देखना चाहें ट्वेंटी के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका भी लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मेस्टिस है आपके लिए खेप्रिकॉन द कंप्लीटेड वर्ल्ड पेज टू ऑफ पेंटिकल्स सेवन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके सो हमारे पास पेज का कार्ड है पेज के साथ ये पर्सन बहुत स्वीट होगा इस आ, वीक में आपको बहुत सारी स्वीट बातें सुनने को मिलेंगी इन फैक्ट द कम्पलीटेड वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पे तो डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हैं वो जल्दी ही पूरा होगा जल्दी ही आ, आप नेक्स्ट चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे एंड ये जो स्टैगनेंट सिचुएशन है आपकी ये बदलेगी यहाँ पे एक तरीके का मोशन नजर आ रहा है मुझे और पेज um, का या होने का मतलब है कि आप एक ब्लॉकेज um, को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी है सो मे भी कोई ऐसी चीज थी जो आप दोनों को बहुत कंफ्यूज कर रही थी कोई बड़ा कोई बड़ा सा ऑफ किसी चीज को लेके किसी रीजन को लेके एंड um, वो चीज आप दोनों को ही परेशान कर रही थी पॉसिबली हो सकता है आप कुछ समय इसके वजह से डिप्रेशन में भी रहे हो या बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ गया हो बट एनी वो फेज ओवर होने वाला है अगर आप देखें ये सेवन ऑफ कप्स का, का कार्ड तो इस पे इतने सारे मून्स बने हुए हैं और uh, मून्स के अलग अलग फेजेस भी हैं तो ये कार्ड आपसे यही कहना चाहता है कि जो डार्कनेस है जिस तरीके से मून डार्क है और फिर वो धीरे धीरे ब्राइट होके कम्पलीटली ब्राइट हो गया वैसे ही कुछ आपका भी जीवन होने वाला है इनफैक्ट ये वीक आपके लिए एक तरीके से क्लियरेंस का वीक होगा पुराने सारे कार्मिक डेट पुराने सारे इश्यूज ऑब्स्टेकल वो सब हटेंगे और नई चीजें उनकी जगह लेगी और फाइनली आप वो मून देखेंगे जिसका आपको इंतजार था हमारे पास है सेवन ऑफ स्टार्स सो सेवन ऑफ स्टार्स के साथ लगता है जैसे कि अभी तक आप किसी चीज को मुड़, मुड़ के देख रहे थे बार बार कोई चीज आपको परेशान कर रही थी आप सोच रहे थे कि पता नहीं ये चीज रिमूव होगी या नहीं होगी ये ऑब्स्टेकल कभी हटेगा या नहीं हटेगा ये इश्यूज कभी दूर होंगे या नहीं होंगे और ये पर्सन कभी सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेगा या नहीं लेगा सो वो सारी चीजें मुझे दूर होते हुए नजर आ रही है बिकॉज ये पर्सन वाकई में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है वो चाहता है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें सो so, ये सेवन ऑफ सोल्ड वाला फेज भी ओवर हो रहा है एंड अब आपको और पेन क्या नहीं, नहीं करना पड़ेगा पास्ट का और साथ ही सारे इलोजन और डाउट्स भी क्लियर हो रहे ऑफ़ कोर्स सेवन ऑफ कप्स क्या होने का मतलब है कि जो भी सरफेस पे अभी आपको नजर आ रहा है उसके पीछे कोई और ही रियालिटी है जो भी नेगेटिविटी आपको नजर आ रही है वो जल्द ही दूर होगी और आपको पता चलेगा कि ये पर्सन दरअसल है कौन और आपके फ्यूचर के लिए क्या वेट कर रहा है लाइक आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या वेट कर रहा है ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए और कल मैसेज क्या है किन स्टो एन ऑफ आर्क वॉइस ऑफ ट्रुथ स्टैंड स्ट्रांग फोकस ऑन योर पर्पज रिलीज अ फीयर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ तो खेप्रिकॉन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है इस वक्त अफकोर्स इतना बड़ा चेंज आसानी से तो नहीं आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि आप क्या चाहते हैं अपने पर्पज पर फोकस रहिए किसी भी चीज का डर मंत्र निकाल दीजिए और जो कहना चाहते हैं वो कहिए है। तब भी आप अपने फ्यूचर को वैसा शेप दे पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं ओके okay? अगर आप मन में कोई बात रखेंगे तो हो सकता है वो बाद में फिर से कोई और आप स्टेकल बने और आपके लिए चैलेंज क्रिएट करें सो so, ये है रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट बाय